हेलो व्हाट्सअप गाइस मैंने विस्ोद बाधू था आप एंड वेलकम टू जॉस हंड्रेड डेज जी हाँ गाइस तो आज है हमारा ट्वेंटी सेकंड डे एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा सो कैसे जैसे कि आप जानते हो कि कल के दिन हमने देखा था मेन सो so आज हम देखने जा रहे हैं मीडियम एंड टुमारो वी विल सी मोड तो बचपन में, में हमने मैथ्स में मेन मीडियम एंड देन मोड पढ़ा था एंड उस समय हमें लगा होगा यार ये तो कभी कहीं काम आ नहीं रहा है लेकिन फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि ये काम आ रहा है राइट ऑल राइट तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपने कल की वीडियो देखी थी होगी तो आज हमें देख रहे हैं मीडियम तो क्या होता है मीडियम देख ली देख लीजिएगा सिंपल सा है ठीक है सो so, मीडियम uh, को भी आप कहीं ना कहीं मीडियन कह लीजिए मीडियन को भी कहीं ना कहीं आप एक एवरेज की तरह समझ सकते हो लेकिन इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लाइक व्हेन द एरे हैज़ एन ऑड नंबर बेसिकली जब भी अगर आपको कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हो अगर वो ऑड होता है देन द मीडियम विल बी द मिडिल एलिमेंट लेकिन उससे पहले हमें उनको शॉर्ट करना जरूरी इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है ये रूल है ड टू फाइंड आउट द मीडियम आई हाईली रिकमेंड प्लीज टॉप में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है और राइट तो फिर से वही बता रहा होगा सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया गया होगा उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है उसके बाद ये चेक करना है क्या वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इफ इट्स ऑड देन द मिडल वन विल विद मीडियन सिंपल राइट काइंड ऑफ सिम्पल साइये लेकिन अगर हमने लाइक जब उसकी लेंथ फाइंड आउट की एंड डिवाइड बाय टू किया एंड अगर वो इवन नंबर निकला देन गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडिल एलिमेंट्स समझ रहे हो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बहुत दे, 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 देख देख, देख लीजिए यहाँ पे लाइक इट्स अ थ्री थ्री फाइव एंड देन नाइन तो देख लीजिएगा इस देख लीजिए जैसे ये है ना मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है राइट कुछ इस तरीके से सो अब देखो कैसे होगा मैं लेट से करता हूँ फर्स्ट वाले को मैंने कट किया और मैं लास्ट वाले को कट करूंगा तो मेरे पास अभी तीन बचे फिर मैं इसको कट करूंगा फिर मैं इसको कट करूंगा तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास बचा सिर्फ एक नंबर डैट इज़ फाइव सो ये जो फाइव दिख रहा है ये मेरा मीडियन हो गया क्या हो गया मेरा ये मीडियन हो गया परफेक्ट तो आप मतलब बचपन में हमने इस तरीके से की थी राइट right? लेफ्ट से काटो राइट से काटो फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे काटते जाओ बीच में जो बचा वो आपका मीडियन तो ये तभी काम करता है ये फॉर्मूला या ये ट्रिक जब आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स हो वो अगर ऑड होंगे क्या होंगे गाइस अगर वो आपके ऑड हुए तो ही वो काम करेगा है ना वरना नहीं करेगा अब सोचो अगर इवन हो जाता तो ये भी कट हो जाता वो भी कट हो जाता तो ये तभी काम करता गाइस जब आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्स में जो भी बेसिकली वैल्यू आप डिवाइड बाई टू करेंगे तो ऑड आना चाहिए तभी काम करेगा लेकिन अब देखना अगर क्या हो कि हमें देखो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे तो तीन पांच सात एंड नौ बाय द वे ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसको सॉर्ट करने की नीड नहीं है अब है ना फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको की कट मैंने इसको की कट मैंने इसको की कट मैंने इसको की कट भाई तो कुछ तो बचा ही नहीं यहाँ पे अब मैं क्या करूँ का है मेरा मीडियन बताओ आप नहीं है तो अब यहाँ पे ये तो सी ये जो फॉर्म ट्रिक है ये तो अगर इवन नंबर हो ना जैसे एक दो तीन एंड देन टोटल चार ये इवन नंबर हो डिवाइड करूंगा तो अपने को रिमाइंडर जीरो आने वाला सो इट्स एन इवन नंबर तो यहाँ पे ये यह फॉर्मूला काम नहीं करता यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मिडिल नंबर होगा अब इसको मैंने कट की इसको मैंने कट की आपको तब तक इसको आप कट करते रहना जब तक लास्ट में आपके पास दो वैल्यू बच नहीं जाते द मोमेंट आपके पास अब दो वैल्यू बच गए तो इन दोनों वैल्यू को आपको करना है प्लस एंड डिवाइड बाय टू तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी सिक्स तो ये ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आपके पास जो सेट ऑफ एलिमेंट दी गई हो उसी में से ही कोई एक आपका मीडियम हो नहीं है मीडियम हो ये जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि मेरे इस केस में अगर इवन होता तो मुझे मीडियम मिला सिक्स बट इन रियलिटी मेरे ये जो ऑफ नंबर्स है इसमें ये क्या था ये आई गेस थ्री था थ्री फाइव सेवन नाइन सिक्स तो कहीं था ही नहीं समझ रहे हो तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपको समझना जरूरी होगा अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब जो भी लेंथ होगा डिवाइड बाई टू कर देंगे अपना काम आ गया यहाँ पे सिंपल ठीक है सो या आ दिस इज इट अब मैं आपको करके बताता हूँ इसको कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं सो आएगा गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है ठीक है अब हम इसको प्रोग्राम में सॉल्व करते हैं आपको और मज़ा आ जाएगा एंड आप टॉप पे वीडियो देख सकते हो प्लीज़ उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा कैसे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा और अर गाइज तो दिस इज ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू ट्राई योर स्किल्स यू नो कितना आपको ज्यादा स्क्रिप्ट आता है तो so, अभी के अभी कीजिए वीडियो को पॉज एंड ट्राई योर सेल्फ ऑल अर गाइस आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा सो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है सो मैंने आप देख सकते हो वे एप टोटल थ्री कंसोल डॉट लॉक बेसिकली हम तीन बार फंक्शन को कॉल करें विध डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स एंड बेसिकली ये एक एरे है ठीक है एंड एक चीज तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये जो भी सेटअप नंबर्स है ये बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर है ये टाइम पास ऑर्डर है ठीक है थीके? हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले पहला रूल ये है दूसरा वी नीड टू चेक दी एरे लेंथ क्या वो है क्या वो या वो इवन है राइट यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद अगर इवन है तो उसके लिए हमारे पास अलग फार्मूला है एंड अगर वो ऑर्डर है तो उसका एक अलग फार्मूला है डेट इट ठीक है सो कैसे देख लीजिए सबसे पहले हाउ टू सॉर्ट एन एरे ये हम कितनी बार देख चुके हैं इंटरव्यू में एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछते आपसे उ टू शॉर्ट एंड एरे राइट एंड एक चीज याद रखना शॉर्ट करने के लिए तो ये तो बच्चों वाला काम है देखो ये जो फंक्शन है मैंने यहां पर डिफाइन की एंड ये जो भी आर्गूमेंट है उसको मैं एज एन पैरामीटर मैंने ए आर आर बोल के लिया तो अब ए आर आर विल रिप्रेजेंट ये वाली एरे ठीक है ये जो भी है सो so, मैं मुझे उसको शॉर्ट करना है ना सो ए आर आर डॉट शॉर्ट दिस इज इट मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ और मैं छोड़ सकता हूँ बट द प्रॉब्लम इज हमने बहुत अच्छे से मेरे वर्ल्ड बे जाकर कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका है उसको भी चेकआउट नहीं किया तो गाइस इस प्लीज चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा मज़ा आएगा इन डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला वो ठीक है सो so, शॉर्ट uh, में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप नंबर्स के साथ डील्स करोगे डील करोगे तो क्या सोफ परफेक्टली काम नहीं करता है राइट समझ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैंने चलो कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ है ना सो कंसोल डॉट लॉग या yeah, परफेक्ट इसको मैं हटाता हूं ध्यान से देखना ऊपर के दो तो काम करेगा का। लास्ट वाले के साथ हलवा बनने वाला है देखो वन थ्री फाइव सेवन नाइन नो ये क्या हो गया भाई वन एंड देन इलेवन फिर थ्री फाइव सेवन नाइन एक बात बताओ ये इलेवन कहाँ से आ गया भाई समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं ये इलेवन कहाँ से आ गया इलेवन तो नहीं आना चाहिए लेकिन यही प्रॉब्लम है मैंने आपसे क्या कहा जब भी आप शॉर्ट यूज करते हो विथ नंबर देन पता है इलेवन क्यों आया वन तो चलो ठीक था उसके बाद इलेवन में सबसे पहला नंबर क्या वन है तो उसने लगा अरे ये तो वन मतलब ये तो ऑब्वियसली तीन पाँच सात नौ से तो छोटा ही है इसलिए वो कैसे ऐसा हो गया तो फॉर मोर डिटेल प्लीज मेरा वो वर्ल्ड बेस्ट कोस्ट चेकआउट कीजिए आपको पता चल जाएगा पहला इतना ध्यान रखना स्ट्रिंग होता तो नो प्रॉब्लम बट इफ देयर इज ए नंबर देन वी नीड टू गो विद द कंपेयर फंक्शन जिसमें ए कॉमा बी यहाँ पे आपको ए माइनस भी खत्म बस इतना कर दो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया एंड बुम गैस सी अब देखना है यहाँ पे ये यह देख लीजिए एक तीन पाँच सात नौ दो चार छः आठ एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह परफेक्ट मेरा पहला स्टेप इज डन लाइक इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अब ये वाला पार्ट मुझे ये चेकआउट करने हैं इज इट लाइक इवन और ऑर्डर है ना तो मैं क्या काम कर लेता हूँ लेट मैं यहाँ पे लेंथ लिख लेता हूँ इस तरीके से ए आर आर डॉट लेंथ ठीक है एंड अब मैं एक कॉन्स्ट uh, मीट या मीडियम बना लेता हूँ मीट जहाँ पे मैं लिख देता होगा सिंपल मेरा ये जो भी होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टू ठीक है दिस इज इट कंट्रोल सेव करता हूँ एंड ए कंसोल डॉट लॉग अब आप आपको मैं मीट दिखाता हूँ क्या मुझे मिलने वाला है यहाँ पे ठीक है सो मैं कंट्रोल सेव करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे फॉर द फर्स्ट एरे मुझे टू आ रहा है ठीक है फॉर दिस सेकेंड फंक्शन मुझे टू आ रहा है जो कि अच्छी बात है एंड देन फॉर दी लास्ट वन मुझे जो वैल्यू आ रही है वो है थ्री अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये थ्री क्या चीज़ है आई I मीन mean ये कौन सा आई uh, मीन I mean ये क्या है ये इज इट द एक्चुअल वैल्यू या कोई ये इंडेक्स uh, नंबर है या कुछ भी है ये है क्या ये भाई ये थ्री कहाँ से आ गया इतने सारे नंबर में ये थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या सभी हमने जो निकाला वो था आपका इंडेक्स नंबर सो so, एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो राइट सो इट्स अ जीरो वन टू एंड देन थ्री तो ये पता चल रहा है कि सेवन हमारा यहाँ पे हो सकता है उसी तरीके से टू है सो so, ये तो चार हो गया यहाँ पे कितना एक दो तीन चार पाँच चलो ये तो ईजी हो जाएगा इसे अपने को यहाँ पे फाइव आएगा देखो कभी भी जो टू पॉइंट फाइव आता है ना ऑब्वियसली टू पॉइंट फाइव तो होने से रहा ये अपना इंडेक्स नंबर है अब एरे में टू पॉइंट फाइव कौन सा इंडेक्स नंबर होता है भाई बताना जरा नहीं पता हमें तो हम क्या करेंगे ये एरे ऑलवेज लाइक जीरो से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ओनली ए आर आर डॉट लेंथ सॉरी नॉट ओवर हियर ओवर हियर इंस्टीट्यूट ऑफ ओनली लेंथ डिवाइडेड बाय टू व्हाट यू विल डू हम भाई हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट है उसमें वी हैव दैट फ्लोर मेथड मतलब अगर टू पॉइंट फाइव रहा या टू पॉइंट सिक्स कुछ भी रहा तो वो आपका जो लोएस्ट वैल्यू है इनिशियल डेसिमल से पहले जो वैल्यू होगा वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा एंड अगेन फॉर मोर इन डेप्थ फ्लोर सील राउंड पता नहीं क्या क्या थे उन सब के ऊपर मैथ ऑब्जेक्ट में बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गाइस प्लीज़ कीजिएगा बाईस घंटे का वीडियो कौन बनाता है बताओ आज के टाइम में भाई मैंने बना के दिया हुआ है ताकि आपकी हेल्प हो आपको मोटिवेशन मिले आप अपना लाइक इंटरव्यू जॉब क्लियर कर सको प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हो देख के एक लाइक like, कमेंट कर दीजिए है ना अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको हटाता तो अब आप देखने बराबर दो दो तीन मुझे मिल रहा है सो जीरो वन एंड देन टू फाइव इज माई इंडेक्स नंबर खत्म इतना ही जी चलो मेरा ये ये भी काम हो गया इसको मैं हटा रहा हूँ ना वी नीड टू फाइंड आउट अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला अलग है अगर ऑर्ड है तो उसका फार्मूला अलग है ठीक है भाई साहब इफ अगर हमारा ये जो लेंथ इफ इट इज डिवाइड बाई टू अगर हम ये करते हैं नॉट डिवाइड यू नो वाट वी विल डू रिमाइंडर यूज करेंगे यहाँ पे हम या कंट्रोल एस सेव ओके बेसिकली फार्मूला है नहीं ये ऑल आइट परफेक्ट तो इसको तो मैं सबसे लास्ट में रख देता हूँ सबसे पहले ये ठीक है थीके? अगर अगर हमारी ये जो लेंथ है ठीक है अगर ये डिवाइड होती है टू से है न अगर हम करते बेसिकली डिवाइड टू से एंड रिमाइंडर अगर मुझे जीरो आता है इसका मतलब क्या है कि ये तो इवन नंबर है राइट right? तो अगर ये इवन नंबर है देन वी विल रिटर्न देखो क्या करता हूँ मैं मेरा ये जो ए आर आर है उसमें हमारा ये जो मीड है माइनस वन क्योंकि रूल यही है ना लास्ट के अगर दो वैल्यू बचेंगे तो रूल क्या था जो भी मेरा मीडियम होगा प्लस ए आर आर यहाँ पे मीडियम प्लस वन फार्मूला यही था राइट right? एंड उसको हम डिवाइड कर रहे थे टू से यहाँ पे वही तो किया है हमने है ना ये देखो ना इसको हाँ, हटाया यहाँ पे क्या किया हमने वही तो किया है अगर क्या हो अगर इवन हो तो हमने इसको काटा इसको काटा जब तक लास्ट के दो वैल्यू नहीं बच जाते बीच के उन तब तक हमें बस काटते रहना था हमारे केस में सिर्फ चार ही वैल्यू थे हम क्या करें है ना तो ये जो लास्ट के दो वैल्यू जो बचे उसको मैंने ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाई टू कर दी और मुझे सिक्स आ गया तो इस केस में तो क्या हो रहा है फाइव एंड देन सेवन है ठीक है राइट आप ये भी समझ सकते थे कि सात मिला और उससे एक माइनस कम किया तो फाइव वाली वैल्यू आ गई मतलब उसका इंडेक्स फिलहाल एरे में आपको इंडेक्स की तरह समझना है अब नहीं मैं यहां पे प्लस नहीं कर सकता प्लस पता है मैं क्यों नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एरे जो है हम क्या कर रहे लेंथ फाइंड कर रहे हैं एंड हमारी जो लेंथ होती, होती है ये ऑलवेज वन ग्रेटर होती है देन इंडेक्स नंबर समझ रहे अगर इंडेक्स नंबर टू है देन लेंथ विल बी थ्री है ना तो ये तो मतलब ऐसा सही नहीं है तो उस हिसाब से क्या हुआ ये जो ए आर आर मेट था ये ऑलरेडी हमारा प्लस वन वाला पार्ट है एंड तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि मुझे एक उससे कम वाला नंबर लगेगा दूसरा इंडेक्स नंबर तो हम माइनस कर देंगे है ना तो फंडा तो सिंपल था कि लास्ट के जो बीच में जो दो वैल्यू था उसको हमें एडिशन करना है लेकिन हम लेंथ देख रहे थे ना और लेंथ ऑलवेज एक ग्रेटर होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस कर दिया इससे बराबर आपके जो भी हो ना ये सेंटर के दो ही आते हैं ऑलवेज ठीक है एंड डिवाइड बाय टू कर दी तो जो वैल्यू आया सो आया एल्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे हटाता हूँ एंड यहाँ पर एल्स लिख के ये करके इसको हटा देता हूँ तो अब स्टेप फोर्थ क्या है मेरा अगर वो रहा अपना वॉट अगर वो ऑर्ड रहा होगा ऑब्वियसली तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है खाली मीट कर दो ये तो आपको पता चला ना ये तो आपको पता चल गया अगर ऑड रहेगा तो ए आर आर ऑफ मीड मतलब जैसे उस समय टू आया था ना इसके केस में हमने जब मैट डॉट फ्लोर किया तो ए आर आर ऑफ टू होगा क्या है? यहाँ पे जीरो वन एंड देन टू तो बेसिकली ये तो अभी फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बट असेंडिंग ऑर्डर में होता तो इट विल बी वन थ्री एंड देन फाइव तो फाइव आउटपुट आ जाता कंट्रोल से भी दिस इज इट खत्म मेरा काम हो गया इसको मैं हटाता हूँ रन करता हूँ सो इट्स अ फाइव इट्स अ एट एंड इट्स अ नाइन पॉइंट फाइव गाइस इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा एक गड़बड़ हो गई है डैट इज कि ये एट तो हो ही नहीं सकता लास्ट वाली जो वैल्यू वो कैसे मीडियन हो सकती है मीडियन तो ऑलवेज सेंटर वाली वैल्यू होती है एंड यह नाइन पॉइंट फाइव कैसे आ सकता है नहीं आ सकता तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता तो हूं ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको आपको एक ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है ठीक है परफेक्ट राइट right? के अंदर मैंने ऐड कर दी तो अब होगा ये कि पहले इन दोनों का एडिशन होगा वो जो टोटल वैल्यू आएगी देन हम उसको डिवाइड करेंगे विथ टू सिंपल सिंपल इतना ही ठीक है अब अगर मैं यहां पे चलता हूं so अब इसको अगर मैं क्लीन करता हूं एंड बुमगा सिक्स सो so, हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए था एंड दिस इज सो गाइस आज इस वीडियो के ही होप आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत ही ज्यादा बेसिक एंड सिंपल है इट जस्ट हम एरे के साथ डील कर रहे थे एंड हमने लेंथ फाइंड आउट की सो दैट्स द रीजन गाइस हमने माइनस की वरना एल आप समझ सकते हो मोस्टली हम बीच के जो मिडिल नंबर है उसके साथ ही खेलना रहता है बस यही उसके पीछे का रीजन है और कुछ नहीं है ये के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेसिक था ये है ना सो गाइस लेट मी दी कमेंट सेक्शन की आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होगा एंड या वन मोर थिंग वन मोर थिंग आई जस्ट रिलाइज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है ये ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ कहीं इससे भी कुछ प्रॉब्लम ना हो क्योंकि एरे को तो जैसे भी हमें सॉर्ट करना ही है नो मैटर वॉट तो फाइव फाइव सिक्स या परफेक्ट चलो ठीक है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो लिए इतना ही होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बस आज कल मुश्किल से आज या कल का दिन है मेरा पूरा इंटीरियर का काम खत्म हो जाएगा एंड देन वी आर बैक टू नॉर्मल एंड हम बहुत कुछ देखेंगे फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐड करते जा रहा हूँ लेकिन आगे हम बहुत कुछ रिएक्ट की सीरीज एंड ऑल बहुत कुछ आने वाला ठीक है सो यह गाइ दिस इज इप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वीडियो पंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ बरबर के शेयर कीजिएगा नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिटन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर